तो चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। और करनाल से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, खाद्य आपूर्ति विभाग का इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी बीपीएल राशन कार्ड बनाने के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है। 110 लोगों के फर्जी राशन कार्ड बनाकर बाजार में बेचे जा रहे थे, तो राशन कार्ड मार्केट में बेचकर ये मुनाफा भी कमाता था। तो 110 लोग ये बताए जा रहे हैं जिनके फर्जी तरीके से ये राशन कार्ड बनाए जा रहे थे और बाकायदा मार्केट में बेचकर मुनाफा कमाता था। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, खाद्य आपूर्ति विभाग का ये इंस्पेक्टर बताया जा रहा है। फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ इससे की जा रही है। इस पर सीधा सीधा आरोप लगाया कि फर्जी राशन कार्ड ये बनाता था और बाकायदा बताया जा रहा है कि 110 लोग ऐसे हैं जिनके फर्जी राशन कार्ड इस इंस्पेक्टर ने बनवाए थे और बाजार में बेचकर मार्केट में इन राशन कार्ड को ये बेचता था और बाकायदा मुनाफा भी कमाता था। फिलहाल गिरफ्तार इसको कर लिया गया है, पूछताछ इससे की जा रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग का इंस्पेक्टर ये है जो फर्जी राशन कार्ड बनाता था और 110 लोग ये बताए जा रहे हैं जिनके फर्जी राशन कार्ड इसने बनाए हैं और उसके बाद इन राशन कार्ड को मार्केट में बेचकर मुनाफा कमाने का काम करता था।